केन्द्र सरकार को बड़ घोषणा, वैषयिक ज्ञान कौशल को प्रोत्साहन, पीएलआई 2.0 स्कीम को कैबिनेट मंजूरी, आईटी हार्डवेयर पर 70,000 कोटी, 85,000 लोगों को मिले रोजगार। आईटी उत्पादों को केंद्र सरकार को प्रोत्साहन, केंद्र कैबिनेट आईटी हार्डवेयर उत्पाद वृद्धि पर उद्दिष्ट स्कीम पीएलआई 2.0 को मंजूरी प्रदान करी। केंद्र कैबिनेट नेतिबा गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति संपर्क में घोषणा करी केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बुधवार केंद्र कैबिनेट बैठक में यह बड़ निष्पत्ति नियाजाई। पीएलआई 2.0 पर केंद्र सरकार 70,000 कोटी टंका विनियोग करिबे। कौन यही आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 योजना? यह योजन लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर आदि उत्पाद निर्माण पर प्रोत्साहन मिल। योजन मोट 3.35 लाख कोटी मूल्य उत्पादन एवं 2,430 कोटी निवेश संभावना रही। आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 योजना सीधासलख 85,000 लोकों रोजगार देवार आशा रखिंट केन्द्र सरकार। आसंता 6 वर्ष आईटी क्षेत्र पर यह योजना को मास्टर प्लान कहुच्छ। गत 2021 केंद्र सरकार प्रथम पीएलआई योजना मंजूरी देते। प्रथम पर्यायर हाई एफिशिएंसी सोलार पीवी मॉड्यूल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, स्पेशलिटी स्टील समेत 14 क्षेत्र पर प्राय 2 लाख कोटी टंका विनियोग करा जायथिला। इससे सबसे बड़ा बदलाव है कि पीएलआई 1.0 में 2% इंसेंटिव था, तो जैसा कि टेलीकॉम में, मोबाइल में, सब में 5% का एक बेंचमार्क बना हुआ है, तो आईटी हार्डवेयर में भी अब 5% इंसेंटिव आया है। पहला। दूसरा बदलाव आया इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। 4 साल का पीरियड था पीएलआई 1.0, इसमें 6 साल का पीरियड रखा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने तरीके से केयरफुली जिस भी पेस पे चाहो उस पेस पे कर सकते हो। तीसरा बड़ा बदलाव है लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑप्शनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव रखा गया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेड पीसीबी असेंबली बनाए, इंडिया में मेड पावर सप्लाई रखे, इंडिया में मेड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करे, तो उसके लिए एडिशनल ऑप्शनल इंसेंटिव रखा गया है। तो इससे ये सारे के सारे बदलाव से अच्छी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है कि बड़े जितने भी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे। या सहित केंद्र कैबिनेट आज कृषकों पर बड़ घोषणा करी। यूरिया दर एवं सब्सिडी को नहीं बड़ निष्पत्ति नियाजाई। चलित खरीफ ऋतु में यूरिया डीएपी सार मूल्य वृद्धि होबनी। या सहित यूरिया पिछा 70,000 कोटी, डीएपी पिछा 38 कोटीर सब्सिडी प्रस्ताव को मंजूरी देछि केंद्र कैबिनेट। वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है, 1 अप्रैल से 2 सितंबर वो खरीफ सीजन होती है और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा, यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया, 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी, बावजूद भी एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया डीएपी एनपीके फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। केंद्र सरकार को घोषणा उभय आईटी सेक्टर एवं कृषकों पर खुशी खबर आनी देछि। आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 योजना को मंजूरी सहित सार मूल्य स्थिर रखा सहित सब्सिडी घोषणा को स्वागत करिछंती देशवासी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।